मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ना, ये हम बेसिकली पढ़ते हैं तीन पार्ट पे। एक हमारा आ जाता है स्टैटिक फ्लूइड, एक हमारा होगा डायनेमिक्स, जो हमने बर्नौली थ्योरम पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा, वो डायनेमिक्स में आता है, ठीक है। जो हम थोड़ा प्रेशर पढ़ेंगे, जो कि थोड़े से अपथ्रस्ट, ये सब आता है स्टैटिक फ्लूइड में, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायनेमिक्स वाले। और एक आ जाता है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, जैसे कि सरफेस टेंशन, फिर उसके बाद विस्कस फोर्स, ठीक है। हमने फ्लूइड को तीन पार्ट में पढ़ना है, वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है। और ये तो के वो थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज तो हमारे पास पहले से है ही डायनेमिक्स की और प्रॉपर्टीज की। और हम किस किस तरह के फ्लूइड को पढ़ रहे हैं, हम जिस फ्लूइड को पढ़ते हैं वो कैसा होता है, वो आइडियल फ्लूइड होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी वो थी जो नॉन विस्कस था, नॉन कॉम्प्रेसिबल था, और वो इरोटेट का था। ये तीन प्रॉपर्टी थी। अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे एक टर्म जिसके बारे में हम पढ़ देखेंगे, इसको सबको सब फटाफट नोट कर जाओ, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज है, पढ़ते आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेशर। प्रेशर सबको पता है, प्रेशर क्या होता है। देखो अगर हम बात करें प्रेशर की, मान लो कोई भी रीजन है यहाँ पे ऐसा जिस पे कोई कुछ फोर्स ऐसे लगता है, ये फोर्स अगर ऐसे लग रहा है यहाँ पे, ये फोर्स क्यों हो जाएंगे दो हिस्से, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। जो एफ कॉस थीटा वाला जो फोर्स है ये सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ, और जो एफ साइन थीटा वाला फोर्स है वो जो सरफेस के अलोंग हो गया, ठीक है। इसको हम इंडिकेट करते हैं फोर्स परपेंडिकुलर से, और इसको हम इंडिकेट करते हैं फोर्स पैरेलल से। तो फोर्स परपेंडिकुलर होता है ना, इसको हमने क्या किया, एरिया से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते। फोर्स परपेंडिकुलर मतलब फोर्स परपेंडिकुलर हमने के लिए हमने एक वर्ड और बना करके रखा हुआ है, दैट वर्ड इज थ्रस्ट, ठीक है। इस एफ परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट, ठीक है। द फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज द थ्रस्ट, ठीक है। याद रखना मैं यहाँ से जो फ्लूइड है ना वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बीच में जैसे जैसे कुछ टॉपिक जो मैंने रैंडमली पढ़ाए मैं उसके बारे में तुमको बता दूंगा, तुमको समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी मैं यहाँ से एकदम शुरुआत से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो जैसे किताबों में दिया गया। अब देखो जो प्रेशर होता है ना, ठीक है, अगर ये प्रेशर पूछा जाएगा कि क्या होता है, इट इज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। प्रेशर को अगर फील करना है ना तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेशर जो फोर्स का जो इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रेशर। फोर्स का इफेक्ट मतलब हम लोग कहते हैं प्रेशर, मतलब ये हुआ जैसे कि मान लो तुम को कोई चीज अगर उठानी है, ठीक है, तुम्हारे पास मान लो अगर कोई बैग है, ठीक है, या एक सूटकेस है, सूटकेस का हैंडल काफी मोटा है, ठीक है, तुम हैंडल से उठाते हो तुमको उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सोचो कि अगर मान लो कि भाई अगर हम हमारे पास उस हैंडल के बदले एक पतली सी मेटल की वायर हो, ठीक है, जब मेटल की वायर पतली सी मेटल की वायर जब उसके थ्रू हम लोग उठाते हैं तो हमारी जान निकल जाए उठने में, भले कि वजन तो वही होता है ना, क्योंकि वो बहुत पतला होता है, पतला होने से क्या होता है, एरिया कम हो जाता है, एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो हम जो चीज फील करते हैं ना, हम जो फील करते हैं वो प्रेशर नहीं, वो
फोर्स नहीं होता, वो प्रेशर होता है। तुम्हारे हाथ पे अगर तुम एक ही पेन को लेकर के अपने पांव पे दबाते हो, पीछे वाले साइड से पेन से लेके अपने हथेली को दबाते हो, और फिर तुम उसके नोकीले वाले जो निब है उससे दबाते हो, तो निब वाले से हमको दर्द बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि निब का एरिया कैसा होता है, कम होता है, प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है, तो दर्द कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो दिस इज जो हम जो फील करते हैं ना, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर, ठीक है। हम ऐसा भी ले सकते हैं द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस प्रेशर, क्लियर। अच्छा, ये प्रेशर का ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक। उसके बाद प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर। इसके पास एक्चुअली देखा जाए, करेक्ट लैंग्वेज में देखा जाए तो इसके पास ये टेंसर होता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसके लिए स्केलर वर्ड यूज किया गया, ठीक है, न्यूट्रल भी स्केलर वर्ड यूज किया गया इसके लिए, क्योंकि इसके पास मल्टीपल डायरेक्शन होता है, लेकिन हम लोग खाली वेक्टर और स्केलर ही हमारे सिलेबस पे, तो वेक्टर तो है नहीं तो इसको स्केलर में डाल दिया गया। एक्चुअली वेक्टर के अगर प्रेशर पूछा जाए, प्रेशर के पास तो मल्टीपल डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग तरीके से टेंसर में रखना चाहिए था, बट ठीक है अभी स्केलर में रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है इट इज स्केलर, दूसरी इट इज आइसोट्रॉपिक, ठीक है। आइसोट्रॉपिक मतलब द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ये हुआ, मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ना हमने पानी लिया, ठीक है, और यहाँ पर ना हमारे पास हमने कोई पॉइंट को चूज कर लिया है। अब अगर हमने एक डिवाइस लिया ऐसे करके प्रेशर को नापने के लिए, ऐसा ऐसा रखा, ऐसा रखा या ऐसा रखा, हर तरफ इस पॉइंट की जो तो प्रेशर होगा ना, चारों तरफ वो कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। मतलब प्रेशर एट एनी पॉइंट सेम इन ऑल डायरेक्शन, हर पॉइंट डायरेक्शन में उसका प्रेशर की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। मतलब ये होता है, एक पॉइंट पर हम काम लेते हैं, ठीक है, उसके हर पॉइंट पर हमने यहाँ जो प्रेशर होगा, ठीक है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो सब कैसा होगा, सेम होगा। हम यहाँ पे प्रेशर का डायरेक्शन हर जगह सेम होगा, वैल्यू भी सेम होगी। हमने अगर यहाँ पे पट्टा रखा या कोई वुडन कप रखा, ठीक है, यहाँ रखा, यहाँ रखा, तो उस वुडन प्लैंक पे जो प्रेशर, जो फोर्स क्रिएट करेगी, ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया से जो फोर्स क्रिएट होगा वो कैसा होता है, सेम होता। आगे बढ़ते हम लोग, ये नोट कर लेना, ठीक है, इसकी यूनिट सबको पता ही है, यूनिट इज प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और पास्कल, ठीक है। उसके बाद हम इसमें और भी यूनिट चूज करते हैं, जैसे एटीएम यूज करते हैं हम लोग, ये रहता है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, फिर टॉर यूज करते हैं हम लोग, टॉर टॉर्सिली के नाम से है, 1 mm ऑफ एचजी हो जाता है, ठीक है, ऐसा। 1 atm पता होगा, 1.01 × 10⁵ पास्कल भी होता है, ठीक है। ये सब सिंपल सिंपल बेसिक बातें होगी प्रेशर के ऊपर, एक बार सबको स्क्रीनशॉट ले लूंगा फटाफट। उसके बाद देखो, अभी हम पढ़े वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर। मान लो कि हमारे पास कोई कंटेनर है इस तरह से, और
ये कंटेनर पे हमसे पूछा जाएगा कि प्रेशर कैसे वैरी कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे करके पूरा पानी से भरा हुआ है, और यहाँ पर इस पॉइंट ये हाइट एच पे जाकर के हमसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पर प्रेशर कितना है। हमने ना एक इमेजरी लिक्विड चूज किया, एक इस तरह से एक इमेजरी सिलेंडर बनाया हमने पानी में, जिसकी हमने हाइट ले ली एच। यहां पर ऊपर से लग रहा प्रेशर इसके ऊपर पी नॉट, जो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर है। यहां पर मान लो प्रेशर जो है ना, ठीक है, ये है पी ए। हाइट ऑफ द सिलेंडर मान लिया हमने एच है, तो ये लिक्विड का जो ये जो एरिया जो है ना, ये मान लो इसका एरिया जो हमने लिया सिलेंडर का ए है, ठीक है। तो अब ये एरिया है, हाइट एच है, ऊपर से कितना लग रहा पी नॉट, नीचे से कितना लग रहा प्रेशर पी ए। पी नॉट से की पी नॉट की वजह से फोर्स किधर लग रहा, नीचे की तरफ, और ये पी ए की वजह से फोर्स किधर लग रहा, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। पी नॉट की वजह से फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और पी ए की वजह से फोर्स किधर लग रहा, ऊपर की तरफ। और ये हमारा कैसा सिलेंडर, इमेजिनरी हमने सोचा कि ऐसा सिलेंडर हमने कुछ इमेजिन किया लिक्विड के अंदर। अब ये लिक्विड हमने देखा कि लिक्विड पूरा का पूरा रुका हुआ है, तो सिलेंडर भी कैसा होगा, रुका हुआ होगा। लिक्विड अगर स्टेशनरी है तो सिलेंडर भी कैसा होगा, स्टेशनरी होगा। तो यहां पे क्या ले सकते हैं, फॉर इमेजिनरी सिलेंडर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे, एफ नॉट जो नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है एफ ए, ठीक है। नीचे लग रहा था माइनस एफ नॉट, और ऊपर लग रहा था एफ ए, और नीचे और लग रहा हो ना, नीचे लग रहा है एम जी भी लग रहा है ना, मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, नीचे लग रहा है एफ नॉट प्लस एम जी, नीचे लगने वाला फोर्स, ठीक है ना। इसका अगर एबीडी बनाएगा सिलेंडर का, खाली नीचे लगने वाला एक एफ नॉट है और एम जी है, और ऊपर कौन इस पे लग रहा है, ऊपर लग रहा है एफ ए। तो फॉर इमेजिनरी सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। अभी एफ नॉट क्या हो जाएगा, पी नॉट इंटू ए हो जाएगा, प्लस एम जी क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा इसके लिए, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो इंटू जी कर दो। एफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेशर इंटू एट ए इंटू ए, समझ में आ रही बात। देखो खाली एफ नॉट को क्या लिख दिया, प्रेशर इंटू एरिया, हमने मास को क्या लिख दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, पी ए लग रहा है इंटू ए, सबसे ये ए मर गया। हम क्या बोल सकते हैं कि पी ए क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस एच रो, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एट एनी पॉइंट, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा फील करो, क्या कहा जा रहा है इसमें, ये कहा जा रहा है ना कि जैसे जैसे हम लोग, तुम अगर मान लो ये अगर कहीं पे पानी है, तुम जिस जैसे जैसे ये लास्ट वाला ये तो खाली पी नॉट इंटू ये फोर्स हो गया, प्लस मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कितना रो हो जाएगा। अच्छा, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा इनटू जी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऊपर में मैंने क्या लिखा है कि नेट फोर्स इस ये पूरा का पूरा लिक्विड रेस्ट पे है, तो पूरे लिक्विड पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो। हमने बीच का एक सिलेंडर सैंपल सिलेंडर चूज किया हमने, ठीक है। क्योंकि सिलेंडर को इसलिए चूज करते हैं ना, क्योंकि उसके साथ कैलकुलेशन करना आसान होता है, तो हमने वो शेप चूज की। कोई भी शेप चूज करते हो तो कर सकते हो। ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स एफ नॉट लग रहा है ड्यू टू प्रेशर ऑफ द एयर, ठीक है, पी नॉट प्लस, नीचे और क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, ठीक है। देखो एफ नॉट प्लस एम जी, और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है नीचे नीचे जो प्रेशर है उसकी वजह से ऊपर भी तो फोर्स लग रहा है, जो कि बैलेंस करके रखा हुआ है, ये ऊपर लग रहा है एफ ए। एफ नॉट प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। एंड वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द पी ए।
आई बात समझ में? तुम जैसे जैसे मान लो कोई तुम नदी है ठीक है, या कोई मान लो समुद्र है, तुम उसके अंदर जाना स्टार्ट करते हो, जैसे जैसे तुम उसके अंदर घुसोगे ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, जो तो प्रेशर होगा ना, तो वो बढ़ता चला जाएगा, कहने का ये मतलब है ठीक है। सिलेंडर का अगर हमने मान लो, अगर ऐसे करके कोई सिलेंडर है ठीक है, हमने मान लो एक इसके ऊपर ऐसे करके यहाँ पे हमने कुछ मिट्टी का मान लो प्लेट रख दिया ठीक है, जैसे जैसे हम उसको अंदर लेकर जाते चले जाएंगे ठीक है, पुश कर चले जाएंगे, इसके ऊपर क्या होगा, बाहर से प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा ठीक है, काफी अंदर जाके टूटेगा, ऊपर में नहीं टूटेगा, अंदर जाके टूटेगा, क्योंकि प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा, अंदर ज्यादा होगा। तो एज यू गो इन टू द लिक्विड, प्रेशर इंक्रीजेस बाय एच रोज, ये कहने का मतलब ठीक है, जितना अंदर जाते चले जाओगे ठीक है, उतना ज्यादा यहाँ पे एच होगा ठीक है, जैसे जैसे ये एच, जैसे जैसे एच बढ़ेगा ठीक है, प्रेशर क्या होगा तो सिंपल सा एक ग्राफ अगर देखा जाए ठीक है, प्रेशर और हाइट का, प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड ये पी है, मान लो हम अंदर एच बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ग्राफ देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे कैसा ही है, ये पी ए और एच ठीक है, ये तो वाई कोस टू एम एक्स प्लस सी वाला रिलेशन है ना, देखो तो ये वाई हो गया, ये हमारा x हो गया, क्योंकि तो बढ़ रहा है ना, h बढ़ रहा है, और ये कॉन्स्टेंट हो गया। ग्राफ तुमसे पूछ ले, वो ग्राफ ड्रॉ करने के आना चाहिए, समझ में आ गई बात। हाउ डज द प्रेशर चेंज एज वी गो इनसाइड, तो आंसर है प्रेशर इंक्रीजेस ठीक है, तो ज्यादा h बढ़ेगा ठीक है, उतनी ज्यादा गहराई बढ़ेगी ठीक है, उससे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा ठीक है। आगे बात सबको सबको समझ में इतना। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाएगा कि मान लो कि अगर हमारे पास कोई भी कंटेनर अगर है ना ठीक है, जो कि मान लो इस तरह से, ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखा जाए तो प्रेशर कैसा रहता है, मान लो हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी एक लेवल पर, यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कि इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया, यहाँ पर मान लो प्रेशर पी है, यहाँ मान लो प्रेशर पी भी है, ये वाले पार्ट पे एरिया ए पे लगा फोर्स इधर, ये एरिया ए पे लगा फोर्स इधर ठीक है, तो पी ए इंटू ए, ये फोर्स लगा टुवर्ड्स लेफ्ट, बराबर हो जाएगा पी बी इंटू बी ए के, ये फोर्स लगा टूवर्ड्स राइट, ये दोनों ही फोर्स के हम क्लियर से देख रहे हैं, दोनों फोर्स के डायरेक्शन कैसे हैं, ऑपोजिट है ना, देखो ये किधर है किधर है, तो ये ए ए कट जाएगा ना, तो पी ए इक्वल्स टू पी, तो याद रखना प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड लिक्विड डज नॉट एक्सेलरेट ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कैसा होता है, सेम होता है, कंडीशन क्या है, लिक्विड है ना वो एक्सेलरेट ना करे ठीक है। यहाँ पर हम पूरी जो स्टडी करें किसकी करें, हम लोग यहाँ पे हम पूरी स्टडी करें स्टैटिक फ्लूइड की करें ठीक है, ये टॉपिक हमारा क्या है, स्टैटिक फ्लूइड ठीक है, मतलब फ्लूइड एट रेस्ट, ये कौन सा फ्लूइड होगा, एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर, हम यहाँ पढ़ाई किसकी कर रहे हैं, स्टैटिक फ्लूइड की पढ़ाई करें ठीक है। फ्लूइड एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर मतलब ये हुआ कि बाल्टी में पानी रुका हुआ है ठीक है, हम उसकी पढ़ाई करेंगे, अगर उसी बाल्टी पानी को उठा के हमने कार में रख दिया, ट्रक पे रख दिया, तो अब वो बाल्टी जो कि पानी के साथ साथ मूव करेगी, लेकिन अभी भी वो जो पानी है वो बकेट के साथ, बकेट के रेस्पेक्ट पे रेस्ट, जो कि पानी मूव कर रहा है बकेट भी मूव कर रही है, तो वो वाला जो स्टडी होगा ना वो भी स्टैटिक फ्लूइड में ही होगा ठीक है क्लियर। हाँ अगर मान लो बाल्टी रुकी हुई है या पाइप रुका हुआ पानी चल रहा है, तो वो डायनेमिक्स में आ जाएगा, अभी हम किसकी पढ़ाई करें, फ्लूइड एट रेस्ट की,
विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर, जब मैं रेस्पेक्ट टू कंटेनर बोल रहा हूँ मतलब कंटेनर और फ्लूइड बिल्कुल साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो भी वो स्टडी किस में आती है, स्टैटिक फ्लूइड में आती है, बिकॉज उस सिचुएशन में भी जो पानी होगा वो कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, ठीक है ना। बाकी जब पाइप रेस्ट में पानी फ्लो कर रहा है तो वो आ रहा था फ्लूइड इन मोशन में आ रहा था, ठीक है ना। क्लियर होगी बात, ये आई थिंक सबको समझ में आ गया ना, इतना कोई दिक्कत इसको समझने में। ये ना बेसिक बेसिक टॉपिक्स हमारे। अब उसके बाद एक चीज याद रखना है तुमको कि मान लो अगर कोई भी अगर आड़ा तिड़ा शेप भी अगर हो कंटेनर का, अगर कंटेनर का शेप मान लो ऐसा है, ठीक है, और हमसे पूछा जाएगा कि बताओ यहां पर यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा अगर कि बताओ प्रेशर कितना होगा, ये मान लो यहां से लेकर के हाइट यहां तक की है ये एच, ठीक है, तो भी यहां पर जो प्रेशर होगा ना वो हो जाएगा रो जी एच हो जाएगा, ठीक है। ये रो जी एच प्रेशर कैसे आ जाएगा इसको देख लो एक बार, क्लियर। यहां से अगर हमने ऐसा देखा एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया जिसकी हाइट मान लो एच वन है, यहां पर कितना होगा प्रेशर रो जी एच वन, और हमने यहां पर देखा इसके साथ अगर इस तरह से तो यहां पर रो जी एच वन है, तो यहां पर भी प्रेशर कितना हो जाएगा रो जी एच वन हो जाएगा, ठीक है, यहां पर भी वही प्रेशर हो जाएगा ना इस लेवल पर। अगर हमने या अब नीचे अगर हम आ जाते हैं देखो तो यहां पर हम देखते हैं हाइट एच टू नीचे आने के बाद यहां पर कितना प्रेशर हो जाएगा, ये हाइट मान लो के बाद एच टू है, यहां पर कितना प्रेशर रो जी एच वन, यहां पर प्रेशर है, हम कितनी गहराई अंदर जाते हैं एच टू गहराई, तो यहां पर प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, यहां से अंदर गहराई गए हम लोग, तो यहां पर जो प्रेशर था उसमें ऐड कर दो क्या चीज रो जी एच टू, ठीक है, उतना यहां पर प्रेशर बढ़ गया, तो नेट प्रेशर यहां पर कितना आ जाएगा रो जी एच वन प्लस एच टू, एच वन प्लस एच टू क्या है एच है। तो कहने का मतलब ये है ना कि तुम्हारा कंटेनर का तो शाइप अगर शेप और आड़ा तिरछा भी अगर हो ना तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, प्रेशर की जो वैल्यू होगी ना, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है रो जी एच, जहाँ पे एच क्या हो जाएगा वर्टिकल हाइट हो जाती है। मान लो तुम्हारे पास अगर एक ट्यूब है जिस ट्यूब को तुमने पानी लेकर के ऐसे रख दिया, ठीक है, मैंने पूरा पानी भर दिया और मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लगा के रख दिया, पूछा जाएगा कि पानी यहाँ पे कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है इस सरफेस पर, तो मैं यहाँ पे ये हाइट ले लूंगा रो जी एच, ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है रो डेंसिटी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू एच, व्हाट इज एच हियर, एच इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ठीक है, लिख लेना कॉपी में, व्हाट इज एच हियर, एच इज द वर्टिकल कॉलम ऑफ द लिक्विड कॉलम इन इक्वल टू पी नॉट, अच्छा यहाँ पे तुम ना यहाँ पे लिख सकते थे पी नॉट, लिख सकते थे पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता रो जी एच वन पी नॉट प्लस, ठीक है, बाकी क्या होगा पी नॉट प्लस, यहाँ भी पी नॉट प्लस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, मेन चीज क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वैसा के वैसा ही है, लेकिन जो लिक्विड का जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो क्या होता है वहां पे एच क्या होता है हाइट ऑफ द लिक्विड ऑफ द वर्टिकल कॉलम का, एच क्या है एच इज वर्टिकल कॉलम, तो सबको फटाफट नोट कर दो।
इसकी बेसिस पे क्या होता है, कुछ कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। मान लो कि अगर ऐसा बोल दिया जाए कि हमारे पास दो कंटेनर है, ठीक है, आगे एक कंटेनर ऐसा है और एक कंटेनर हमारे पास ऐसा है, इस तरह से दो कंटेनर हमारे पास, और इस दो कंटेनर में जो है ना हमसे ऐसा बोला गया कि यहाँ पे हमने ना 1 लीटर पानी दोनों में भरा, ये दोनों का बेस एरिया सेम है, ये एरिया ए है, ये भी एरिया ए है, हमने दोनों में डाला 1 लीटर पानी, ठीक है, 1 लीटर वाटर डाला दोनों में, तो बताना है कि प्रेशर कहाँ पर ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा होगा कि यहां पर ज्यादा होगा। एरिया दोनों का सेम है, वॉल्यूम वाटर दोनों का सेम है, सोचो, तुम लोग भी सोचो एक बार। इसमें बोलते हो सेम नहीं, देखो यहां पर क्या, एरिया दोनों का सेम है ना, तो यहां पर हाइट अगर मान लो कुछ अगर आती है तो ये ऊपर से चौड़ा हो रहा है, यहाँ जो हाइट होगी ना वाटर की थोड़ी कम हो जाएगी, है ना, हाइट कम हो जाएगी, क्योंकि तो ये ऊपर से देखो कैसे फैल रहा है, ऊपर से देखो ये, और ये ऊपर से सीधा जा रही है, ये फैल रहा है, यहाँ पे पानी की हाइट कम हो जाएगी, यहाँ पर वॉल्यूम सेम है तो एरिया से, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हाइट, अगर यहाँ पे अगर हाइट हम बोलते हैं कि वाटर की हाइट यहाँ पे अगर कम है, यहाँ प्रेशर कैसा होगा, लेस हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कैसा होगा, मोर होगा, ठीक है। अगर हमने इसी कंटेनर को हमने यहाँ बेस सेम लेकर के, सेम लेकर के मैंने अगर ऐसे कंटेनर बना दिए, सोचो ये एरिया ए अभी भी है, 1 लीटर पानी का मैंने यहां पे डाला तो ऊपर से क्या हो रहा है, नैरो हो रही है ना, इसकी हाइट ज्यादा ऊपर तक की जाएगी। अब यहां पे अगर देखेंगे ना तो यहां पर अगर हम देखते हो 1 2 3, तो 3 में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, फिर 1 में उससे कम होगा और 2 में सबसे कम हो जाएगा। आई बात सबको समझ में? नहीं, इसके बेसिस पे थोड़े से ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे कभी कभी हमको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, अगर हमसे ऐसा बोल दिया जाए कि मान लो एक कंटेनर है हमारे पास 3, ठीक है, और यहाँ पे ना इस तीनों कंटेनर में का साइज बिल्कुल सेम है, ठीक है, तीनों का बिल्कुल सेम साइज है, और यहाँ पे हमने लिक्विड भरी जिसकी डेंसिटी ρ1 है, यहाँ जिसकी डेंसिटी ρ2 है, यहाँ जिसकी डेंसिटी ρ3 है, ठीक है, और बोला कि ρ1 ऐसे हमने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग डेंसिटी का हमने लिक्विड को यहाँ पे भर दिया, और यहाँ पे हमने बोला ना कि जो तो बताना अपने को, और यहाँ पे ना बोला गया है कि इन सच्चे में भरा गया है कि तीनों के लिए जो मास है ना वो सेम है, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3, ठीक है, तो बताना है कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो किस केस पे ज्यादा होगा, किस केस पे से कम होगा, या सब पे बराबर होगा। सर क्या बताना है? प्रेशर, प्रेशर प्रेशर बताना अपने को, मास तीनों केस में सेम है, ओके, चलो देखते हैं हम लोग, एरिया सबका सेम है, ठीक है, यहाँ पे एरिया सेम, देखो अगर हम यहाँ पे देखें ना तो मास अगर हाई, देखो मास अगर तीनों में सेम है ना तो पता
हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि प्रेशर भी सेम ही होगा, क्योंकि प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया, एम वन जी बाय एरिया कर देंगे ना, ठीक है, सबके लिए मास तो सेम ही है, तो प्रेशर भी कैसा होगा, सेम होगा। बाकी अगर तुम दूसरे तरीके से देखोगे, हाइट के तरीके से, तो देखो यहाँ पे मास अगर सेम है तो हम ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, तो मास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो एक बात देखो, इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से करके दिखा रहा हूं मैं, अगर मास सेम है ना तो फर्स्ट के लिए हाइट कैसी होगी, ज्यादा होगी, तो फर्स्ट की डेंसिटी सबसे ज्यादा है ना, फर्स्ट की डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो उसकी हाइट सबसे कम होगी, सबसे कम इसकी हाइट। सेकेंड की डेंसिटी ज्यादा है, नहीं सेकेंड की डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो इसके सेकेंड के लिए हाइट कैसी होगी, एच टू ज्यादा होगी, और थर्ड के लिए हाइट सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात, फर्स्ट की हाइट, ये फर्स्ट की हाइट सबसे ज्यादा है, लेकिन यहां पर देखो एक चीज, एच वन है, एच टू है, एच थ्री है, क्लियर सी बात है कि अगर जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, ठीक है, उसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी। अब हम आगे देखते हैं इस यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच, जी एच, तो एच वन इंटू जी फर्स्ट, सेकेंड के लिए रो टू इंटू एच टू जी, थर्ड के लिए रो थ्री इंटू एच थ्री। अब अगर फर्स्ट के लिए देखा जाए, रो वन है अगर, तो इसको मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो तुमको आंसर मैंने पहले बता दिया, ठीक है, लेकिन अगर तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि रो जी एच से कैसे बनेगा, तो देखो उस चीज को भी, ऊपर नीचे हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो तो एच इंटू ए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास, ठीक है, ये हो जाएगा एम, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया अगर हमने, तो ये क्या बन गया, मास, एम जी बाय ए। यहां पर भी देखो इधर सेम वे, रो टू इंटू एच टू इंटू ए इंटू जी बाय ए, ये हमें क्या देगा, मास, ठीक है, मास बाय एम जी बाय ए, ठीक है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, सबसे तो मास सेम ही आ रहा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, प्रेशर सेम होगा। आई बात समझ में, और अगर ये तो तुमको मैंने खाली कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने रो जी एच से सिखाया, अदरवाइज तुम जब देख रहे हो कि मास सेम है तो सबके द्वारा फोर्स सेम होगा, और जब सबके द्वारा फोर्स सेम होगा तो वहां पे देखेंगे कि सबका जो वो होगा प्रेशर भी कैसा होगा, सेम होगा। अब देखो यहां पर ना कभी कभी कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन होगा कि एक कंटेनर ऐसा है और एक कंटेनर हमें ऐसा दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद उस क्वेश्चन को हम लोग बाद में कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक ये कंसेप्ट देख लो, वेरिएशन इन प्रेशर, जैसे कि मान लो कोई कंटेनर इस तरह से, और ये लिक्विड है, और ये लिक्विड जो है ना ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, हमसे पूछा गया कि बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, पी ए, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा एट ए हाइट एच, जो तुमने पहले किया था बिल्कुल वही चीज रिपीट करनी है, ऐसे ड्रॉ किया सिलेंडर,
ऐसे या सिलेंडर ड्रॉ, ऊपर से लगा पी ए पी नॉट, नीचे से लगा पी ए, ये इंटू एरिया कर दिया, तो पी नॉट पी ए इंटू ए, ठीक है, ऊपर लग गया, ऊपर लगने वाला फोर्स है माइनस, नीचे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस एम जी, नीचे लगने वाला फोर्स है इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए हो जाएगा ना, पास समझ में आई कि नहीं? क्या क्या मैंने पहले मैंने ना दोनों को इक्वल दिखा दिया था बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो था, अभी यहाँ पे क्या किया, अगर हम इसका वीडियो ड्रॉ करेंगे ना अगर, तो यहाँ नीचे लगने वाला फोर्स P नॉट है, नीचे लगने वाला फोर्स एम जी, ऊपर लगने वाला फोर्स पी ए इंटू ए, ठीक है, और ये नेट फोर्स क्या होगा, पूरा इसको क्या करेगा, एक्सेलेरेट करेगा ऊपर की तरफ, तो मैं नेट ये हो गया पी ए इंटू ए माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू एम, पी ए इंटू ए माइनस पी नॉट, मास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट इंटू ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, यहाँ पे भी ले सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू, सबसे ए को मार दो पी ए माइनस, यहां से ए भी इमर्ज जाएगा माइनस पी नॉट इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो हो जाएगा इधर भी जाए एच रो इंटू ए प्लस, देखो क्या था पहले पी ए माइनस पी नॉट था एच रो जी के इक्वल, जब ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ए ऐड कर दिया, ये था विदाउट एक्सेलरेशन और ये होता विद एक्सेलरेशन, तो बात तो खाली क्या है इसका, तुम पता है शॉर्टकट याद कर जाओ पी ए माइनस पी नॉट इक्वल टू जी इफेक्टिव याद कर जाओ बेस्ट रहेगा, अगर स्टेशनरी है जी इफेक्टिव जीरो होगा, जी इफेक्टिव जी के इक्वल होगा, अगर ऊपर जा रहा तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाएगा, नीचे जा रहा तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए हो जाएगा, ऐसा ठीक है, इसको फटाफट सबको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, चलो बाय।